बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मीद है अब सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अजीज़ा ने मानी ये पहले आपको ये बताऊं, बहुत ठंड है और इस ठंड की वजह से आज आप देख रहे होंगे कि मैंने ये कंबल ओढ़ा हुआ है बड़ा सा। और आज पाकिस्तान का मैच भी है और इस मैच की सब लोग खुशियां भी मना रहे हैं, कहीं पे गम हो रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि गम कहाँ पे हो रहे हैं और खुशियाँ कहाँ पे मनाई जा रही हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो एक एंटरटेनमेंट वीडियो है। इसके अंदर आप शायद कुछ भी ना सीखें और शायद बहुत कुछ सीखें। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे लेते हैं। और आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच जारी है और इस फाइनल मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये फैसला होने को है। कुछ देर के बाद ये फैसला हो चुका होगा और गालिबन मुझे लगता है ऐसे है कि इस मैच में इंग्लैंड की जो टीम है वो मैदान मारेगी। ठंड भी है और जुबान थोड़ी सी पकी है, दैट्स व्हाई थोड़ी स्लो स्लो कन्वर्सेशन कर रहे हैं। जी कौन? मैं अच्छा, तो आप लोग 1 मिनट यहाँ पे क्विक रहिएगा, हम फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो वो मैं आपको बात बता रहा था मैच के हवाले से, बात ना बड़ी इंटरेस्टिंग थी। खैर जब आप देखेंगे तब तो खैर आपको इसके रिजल्ट पता चल चुके होंगे, लेकिन अभी इस वक्त ना आपको इसके रिजल्ट नहीं पता। वजह क्या है, क्यों नहीं पता, वो आप सब बेहतर जानते हैं। अच्छा अभी आपको पता है वेट मैंने क्यों किया था, क्योंकि मेरा भैया आज आ रहा था तो मैंने ये किया कि दरवाज़ा ओपन किया उसके लिए, दैट्स व्हाई मुझे ना वो करना पड़ा। आप इधर आ जाए फैजान, जरा उधर सामने आके बैठो, सामने आके इधर इधर नहीं बैठो बल्कि इधर बैठो, इधर सामने बैठो। अच्छा तो ये बताइए कहाँ पे गए हुए थे आप? नमाज पढ़ने। अच्छा, सही, माशाल्लाह। तो ये बताएं कि कैसा मौसम है, बाहर का मौसम कैसा है? सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है, ठंड है। अक्सर जब इंसान ना मुंह धोने जाता है तो शैतान करीब चुकने की कोशिश हाँ करता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे तो ही पानी वैसे ठंडा हो जाता है सर। पानी बिल्कुल वैसे ही ठंडा हो जाता है। अच्छा जी, तो मौसम तो खैर ठंडा है ही, लेकिन ये बताएं कि ये वो जो मैच आ वीडियो, रही है। अच्छा हाँ वो तो खैर पहले से प्रेडिक्शंस थी जी, मैच हार चुके हैं और पहले से ही बताया जा रहा था, लेकिन अब ये बातें मुस्तैद पक्की हो चुकी हैं। जब आप खबरें सुनेंगे देखेंगे तो तब ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी होंगी। अच्छा और क्या था कि शोर भी शायद आपको आ रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपने गुजारा करना है क्योंकि आपको बताया कि पाकिस्तान है, यहाँ पे सब चलता है। और बहुत आहिस्ता आवाज़ में मैं बात कर रहा हूँ, द रीज़न इज़ के जुबान भी थोड़ी सी पकी है। आपको पता है मैदे में ना गर्मी है थोड़ी, दैट्स द रीज़न के ये सब कुछ है। तो खैर बाय द वे ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और इस फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने जस्ट गपशप ही करनी है और चीज़ें डिस्कस करनी है। ये आवाज़ आपको पता है किस चीज़ की आ रही है? ये आवाज़ आ रही है जी, एक बिल्डिंग है उसे तोड़ा जा रहा है। आप पूछेंगे कि तोड़ा क्यों जा रहा है और कहाँ से तोड़ा जा रहा है, कैसे तोड़ा जा रहा है। सबसे पहले तोड़ा कुछ क्या? चीर गई है क्या? हाँ मेरा भी हुआ ये। यही खाओ दही और ये। तो द रीजन इज कि क्यों तोड़ा जा रहा है, आजकल आपको पता है बीमारियां बहुत फैल रही है, तो इस वजह से करना क्या है? मिसाक नहीं कर सकता बंदा, हाँ ना। तो ये कुछ 1 हफ्ता लगता है ठीक होते हुए। अच्छा तो नाज़रीन हम ये बात बता रहे थे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और कब कब होता है। क्यों होता है, ये जो ज़ुबान पे होता है ना, आपको भी शायद अक्सर होता होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो डिस्कस हम कब करेंगे,
वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको पता है अगली वीडियो हम बनाएंगे, ये वैसे भी 5 मिनट की होगी, अगली वीडियो में बात करते हैं इस बारे में।